क्या पढ़ रहे थे बताओ? प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। नहीं अच्छा लग रहा मैं। हाँ प्रिपरेशन ऑफ इनॉल हो गया। और उसके बाद पीपी पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। नाउ हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेम एल्कोहल एंड फिनॉल। ओके लेट्स गो। ये सीट है बेटा, खुद एडजस्ट करो। आप वो चेयर उनको दे दो, मतलब आप खड़े हो जाओ, वो चेयर इधर खिसका दो उसके बगल में, तो प्रेक्षा वहाँ सेट हो जाए, वो चेयर पे आप बैठ लो। और प्रेक्षा आप भी बैठ सकते हो यहाँ पे, नहीं बैठो। अच्छा चलो, होमवर्क चेक नहीं किया मैंने। क्या है सबने होमवर्क किया? होमवर्क भाई पीछे प्रिंस होमवर्क किया है, क्रिश होमवर्क किया, होमवर्क किया। तब ठीक है भाई, आपकी तो वीडियो देखा आपने? अच्छा तो तब तक होमवर्क नहीं दिया था मैंने आधे वीडियो तक। परीक्षा हो गया, होमवर्क नहीं हुआ क्यों? चलो पापा से बात करते हैं। वही नहीं होमवर्क हो गया, नहीं हुआ पापा से बात करेंगे। हाँ हो गया, हो गया, हो गया, नहीं हुआ ध्रुवी, हो गया ठीक है, लास्ट बात करेंगे पापा से। चलो क्या बढ़ रहा है? यस केमिकल रिएक्शंस। ऑफ ROH केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन सेम है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ROH। चलो अब जब हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, तो ROH में आप देखो दो तरह के बॉन्ड हैं, दो तरह के बॉन्ड है ना, एक OH बॉन्ड है, दूसरा RO बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड टाइप ऑफ बॉन्ड की हम बात नहीं कर रहे, सिंस दोस्तों वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस का मतलब कोई बॉन्ड ब्रेक होगा है ना, और OH ग्रुप निकल जाएगा या फिर H निकल जाएगा और कोई नया ग्रुप ऐड होगा, क्योंकि यहां पे सिंगल बॉन्ड है। और अब याद करो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, पहला टाइप है ऑर्गेनिक रिएक्शन का सब्स्टिट्यूशन, जो किसमें होता है? सिंगली बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या ये सिंगली बॉन्डेड है? हाँ है ना, तो यहां पे क्या होगा? गुड। चलो फिर दूसरा टाइप था एडिशन, डबल बॉन्ड होना चाहिए, है डबल बॉन्ड? नहीं है, तो एडिशन। थर्ड है एलिमिनेशन, जो होगा क्योंकि एल्कोहल में एलिमिनेशन होता है, अगर हम H2 हटा दें डिहाइड्रेशन करें तो एलिमिनेशन होता है, और रीअरेंजमेंट तो हर एक सबस्ट्रेट में होता है। तो ओवरऑल हमें ये तो पता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में दो टाइप के मेन रिएक्शन होंगे, क्रिश एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन। ठीक है, अभी हम सब्स्ट्रेट, सब्स्ट्रेट मतलब जिसमें रिएक्शन होने वाला है, जो दूल्हा है, अभी दूल्हा यही है, लास्ट टाइम इसको हमने प्रिपेयर किया था, अब इसकी बलि चढ़ाएंगे, शादी कर देंगे, तो मतलब इसका रिएक्शन पड़ रहा है दूल्हा मतलब सब्स्ट्रेट। तो इसमें कितने टाइप के बॉन्ड है? देखो दो टाइप के बॉन्ड है। अगर हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो ऐसे लिख सकते हैं RCH2OH, इसमें दो तरह के बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। एक तो आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया आपने? OH, तो क्या बनेगा? RCH2O-, ठीक है, H प्लस अलग हो गया, ठीक है। और दूसरा बॉन्ड ये है, कौन सा? CO बॉन्ड, तो क्या बनेगा दोस्तों? समझ आया मैंने क्या बोला आपको? फिर से अगेन, अगर ROH लेते तो क्या करते? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते तो क्या बनता? RO माइनस। और अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया होता तो R प्लस OH माइनस। समझ आया? तो एल्कोहल में कितने टाइप के बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं? एग्जैक्टली। फिर मैंने थोड़ा और बेहतर समझाने के लिए मैंने CH2 लिखा है, तो याद रखेंगे दो तरह के बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला OH वाला,
तो देखो ये कुछ बड़ा और इस पे कौन सा चार्ट डेवलप हुआ माइनस, इस आयन को हम बोलते हैं अल्काइल एंड ऑक्साइड, अल्काइल अल्कोक्साइड क्या बोलेंगे। अच्छा और ये वाले बॉन्ड में आर सी एच टू प्लस मतलब कार्बन पे कौन सा चार्ज आया, हाँ तो कार्बन पे प्लस आया मतलब कार्बोकैटायन एग्जैक्टली। तो यहाँ पे याद रखेंगे अल्कोहल में दो तरह के रिएक्शन होंगे जिसमें एक रिएक्शन में अल्कोक्साइड आयन बनेगा और दूसरे रिएक्शन में बोलो समझ आया। तो इसके अंदर कुछ भी ऐड करेंगे ना तो दो तरह के बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, या तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा, और मैंने आपको और समझाने के लिए CH2 लिखाया इसमें और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे R की जगह तो क्या कर सकते हैं कितने भी कार्बन लिख सकते हैं भाई, तो मैंने CH2 लिख दिया बीच में और फिर समझाया आपको। तो या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है OH वाला, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने तो ये माइनस बना, या फिर अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आर सी एच टू प्लस बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया, हाँ नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज जिसके पास है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच को अपने बोलते हैं एग्जैक्टली, और कार्बन पे प्लस, प्लस मतलब एग्जैक्टली इलेक्ट्रोफाइल। तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल, इज इट सो, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियस ऐसा बोल सकते हैं नहीं कि हाँ, पता नहीं कंफ्यूजन, कोई बात नहीं। आपको इतना समझ आया अभी तक कि अल्कोहल में दो तरह के बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, ये टॉप ये समझ आया मैंने जो समझाया आपको। ओ एच ब्रेक होगा तो आर ओ माइनस बनेगा, और आर ओ ब्रेक होगा तो आर प्लस बनेगा, यहाँ पे आर सी एच टू प्लस बनाया हमने। अब थोड़ा और सोचते हैं दोस्तों कि ये बॉन्ड कब ब्रेक हो सकता है और ये बॉन्ड कब ब्रेक हो सकता है वो देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है आर सी एच टू ओ एच, ठीक है, इसके अंदर मैं ऐड करता हूं H प्लस, है ना, तो देखते हैं इसमें क्या रिएक्शन होता है। R CH2 OH में मैंने H प्लस ऐड किया, कौन किस पे अटैक करेगा, एग्जैक्टली क्योंकि ये रिच है और ये, तो इस पे अटैक करेगा, तो ऐसा कुछ बनेगा R CH2 OH H, दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, चार थे दो डोनेट किए, दो इलेक्ट्रॉन प्लस। नाउ इसमें और इसमें क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है, खाली एच एक्स्ट्रा है इसके अंदर, तो ये अल्कोहल ही है पर एक्स्ट्रा क्या है, तो एच को प्रोटॉन बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे एग्जैक्टली, तो प्रोटोनेटेड, यस प्लीज, हाँ प्रोटॉन बोलते हैं ना, तो इसीलिए तो लिखा ये अल्कोहल जो है इसमें प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोला हमने, स्ट्रक्चर को प्रोटोनेटेड, इसको प्रोटॉन, इसको तो प्रोटॉन ही बोलते हैं, पर क्योंकि प्रोटॉन एक्स्ट्रा है अल्कोहल के अंदर इसीलिए अल्कोहल को क्या बोलेंगे, या फिर दूसरा भी नाम लिखा था हमने एसिडिफाइड अल्कोहल, क्योंकि उसमें एसिड है, एच को एसिड बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो अब आप देखो, अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी बढ़ गई तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट होंगे, ऑब्वियसली कार्बन और ऑक्सीजन में जो ज्यादा नेगेटिव इस पे शिफ्ट होंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ओ पे शिफ्ट होंगे और क्या निकल जाएगा, तो ये कार्बन पे कौन सा चार्ज आया, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो कार्बन पे प्लस आया मतलब ये वाला केस हुआ, तो क्या बना, हाँ तो एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल है, जबकि अल्कोहल खुद तो न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखो, ये अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है, इसमें क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या है,
वैसे डायरेक्ट आप बता दोगे। तो एमसीक्यू, दो एमसीक्यू फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एल्कोहल क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्ट्रेट फॉर न्यूक्लियोफाइल है। और एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब बिहेव करेगा? एग्जैक्टली जब उसके अंदर एक्स्ट्रा एच है, मतलब उसका नाम है या फिर एसिडिफाइड एल्कोहल। सो रिमेंबर प्रोटोनेटेड एल्कोहल बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये दोनों एमसीक्यू थे अभी तक जो पढ़ाया, बोर्ड में कुछ नहीं बन रहा है इसमें से, खाली दो एमसीक्यू बनेंगे। एल्कोहल क्या है? यूराइड न्यूक्लियोफाइल। एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल है पर जब उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोटॉन होगा तब, मतलब प्रोटोनेटेड एल्कोहल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इज दैट थोड़ा बहुत क्लियर? दैट्स ग्रेट। चलो अब हम लिस्ट बनाते हैं कि कौन से रिएक्शन में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और कौन से रिएक्शन में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। चलो पहले तब अभी हो गया, चलो शुरू करते हैं। अब हम लिख रहे हैं कि कौन सा रिएक्शन है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेक होंगे। बाकी है तो लिखो जल्दी थोड़ा। एल्कोहल के अभी तक हमने कोई रिएक्शन पढ़े हैं? आगे कहीं कोई चैप्टर के अंदर आगे वाला ऑर्गेनिक का चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन था, याद नहीं होगा क्योंकि बीच में फिजिकल आ गया तो वो ही है, कोई बात नहीं। चलो ऋषभ डन, एल्कोहल के अंदर बेस डालेंगे तो क्या होगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ओ एच बॉन्ड ब्रेक होगा या आर ओ बॉन्ड ब्रेक होगा? एनएच टेबल बताओ, एनएच से वही निकलेगा तो यहां से क्या निकलेगा? एच एच निकला, मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? एक्जेक्टली। तो इससे प्रूव हो जाएगा एल्कोहल एसिड है। समझ आया? चलो हो गया ऋषभ ठीक। तो ऐसा लिखा कि आर ओ एच में ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? OH, OH, ऐसे लिख दूं मैं, R O H में ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो उसमें सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन विद बेस। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं मेटल के साथ रिएक्शन लिखें, तभी भी यही होगा। सेकंड हम पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, और हम पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, और इसमें हम पढ़ेंगे लास्ट एस्टरिफिकेशन। तो हमारे सिलेबस में चार रिएक्शन है जिसमें हम एल्कोहल का ओ एच बॉन्ड ही ब्रेक करेंगे। वैसे दो तो थ्योरी है, ये दोनों थ्योरी, ये वही रिएक्शन। अब आर ओ बॉन्ड ब्रेक करना, तो आर ओ बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आर का चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि ओएच का चार्ज क्या है? माइनस, तो आर प्लस बनेगा। ऐसा रिएक्शन है सबसे पहला रिएक्शन विद हाइड्रोहैलिक एसिड विच वी ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 10, दैट इज कॉल्ड ल्यूगास टेस्ट, HCl anhydrous ZnCl2 ये पढ़ा था। सेकंड दोस्तों ये भी पढ़ा था PX3 फास्फोरस ट्राइहैलाइड, इफ यू रिमेंबर हमने ये पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH बाय X, ठीक। थर्ड नया रिएक्शन है ऑक्सीडेशन जो हमने नहीं पढ़ा, पर हाँ रिडक्शन पढ़ा था जिससे हमने एल्कोहल बनाया था, तो मैंने समझाया था अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे उल्टा रिएक्शन होगा। एंड लास्ट इज डिहाइड्रेशन, हमारा टारगेट ये है कि आज यहां तक खत्म हो आठ रिएक्शन, ठीक है। लेट्स सी धीरे धीरे जाएंगे, होता तो ठीक है वरना जितने होंगे उतने करते हैं। चलो हो गया है, लेट्स गो शुरू करते हैं। सबसे पहले एल्कोहल का रिएक्शन करेंगे विद
बेस एंड मेटल दैट्स गुड. देखो पहला राइटर रिएक्शन विद बेस या फिर एक्टिव मेटल आर ओ एच प्लस एन ए ओ एच चलो रिएक्शन प्रेडिक्टेबल है, मैंने पहले ही बता दिया आपको. बेस से क्या हटाना है, बेस से ओएच हटाना है और यहां से क्या निकल जाएगा, क्या निकल गया, बाकी क्या रहा, एग्जैक्टली आर ओ माइनस एन ए प्लस. इसका नाम है सोडियम अल्क ऑक्साइड. ठीक है, टेन याद करो, बहुत सिंपल. एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर. एसिड से जो बनता है दैट इज कॉन्जुगेट बेस. तो ये क्या है, इतना याद रखो, आगे पढ़ाया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जितना कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल उतना एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. तो अगर आपको कंफर्म करना है ये कितना एसिडिक है तो आप ये पता लगा लो कितना स्टेबल है ना. अभी तो हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे इसकी, तो अभी हम पता नहीं लगा सकते, अभी तो खाली अल्कोक्साइड पढ़ रहे हैं. पर कोई और आया फिनॉल आया तो कंपेयर करेंगे फिर. तो अगेन समझ आया, इसका स्ट्रेंथ पता लगाना तो क्या कंफर्म करेंगे, इसका स्टेबिलिटी. जितना कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज्यादा उतना एल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ. एग्जैक्टली, ये 11 का कंसेप्ट है. चलो फिर कोई भी बेस डाल सकते हैं यहाँ पे और फिर कोई एक्टिव मेटल, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे आर ओ एच प्लस एन ए. एसिड प्लस एक्टिव मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ऐसा हमने टेंथ में पढ़ा. तो क्या बनेगा, आर ओ माइनस आर ओ एन ए. क्या बाकी ना बेटो, एक एच, तो क्या लिखेंगे, हाफ एच टू, हाइड्रोजन गैस बनेगा. बहुत सिंपल है, ज्यादा टाइम यहां वेस्ट नहीं कर सकते. हमने एल्कोहल लिया, सोडियम मेटल ऐड किया, सोडियम एक्टिव मेटल है. ठीक है, व्हाट डू यू मीन एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल क्या होता है, ज्यादा एक्टिव है, ग्रुप 1 से होगा, ग्रुप 2 से होगा, ग्रुप 13 से होगा, तो एक्टिव मेटल है. ठीक, तो बन जाएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. इजी, चलो फिर इधर इथेनॉल लिख देते हैं और सोडियम कंप्लीट करो. आप लोग रिएक्शन क्या होगा, इथेनॉल प्लस सोडियम क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाफ एच टू, एच टू ओनली बनो, एच टू यस, वो तो है अल्कोक्साइड के साथ, तो सी टू एच फाइव, सी टू नहीं है, सी टू है एंड हाफ एच टू. दिस इज सोडियम 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 इथॉक्साइड, समझ आ गए. ठीक है, अब इसका गुड साइड में क्वेश्चन बनता है कि अगर ये लेंगे, पहले रिएक्शन समझ आ गया आपको, अगर ये 46 ग्राम लेंगे तो कितना एमएल बनेगा, सॉरी रॉन्ग आंसर, कितना लिया हमने ये, तो कितना एमएल बनेगा ये. चलो रिएक्शन समझ आया पहले, मैं आगे एक बार लिखता हूं, सी टू एच फाइव ओ एच प्लस एन ए गिव्स सी टू एच फाइव ओ एन ए प्लस हाफ एच टू. ये कितने मोल्स हैं, ये वन मोल, वन मोल मतलब एस टी पी पे कितना लीटर, कितना मिलीलीटर,
वन मोल मतलब कितने? नहीं 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 वार्डन हेलो एक्सक्यूज मी एक्जेक्टली 22.4 ना 22.4 लीटर यस और नो यस सर हाँ फॉर आइडियल गैस 22.7 बट कोई गैस आइडियल तो है नहीं तो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो रियल गैस है तो फिर बात कर रहे हैं 22.4 लीटर वन मोल मतलब यहाँ तक कोई डाउट तो पूछो नहीं ये वन मोल मतलब अगर सपोज हमें लीटर लिखना है तो 22.4 लिखेंगे 22.4 11.2 यहाँ तक भी डन है चलो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है 23 ग्राम जब ये 23 है तो ये कितना बन रहा है 11.2 लीटर यस और नो तो कितना पूछा था मैंने तो कितना बनेगा ऐसे बोलो ना समझ आया ये 46 पूछा है इसको भी डबल कर दो फिर तो अगर ये 46 पूछा है मतलब ये 2 मोल्स है मतलब ये 2 मोल होगा 2 मोल होगा 2 मोल होगा और हां 1 होगा ना 2 by 2 1 हो गया ना ये तो 1H2 मतलब 1 मोल H2 22.4 लीटर इज दैट क्लियर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सिंपल है और यहां पे कुछ भी लिखा होगा और अच्छा कुछ भी मतलब क्या ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 जैसे Mg लिखा हो सकता है ऐसे यहाँ लिखते हैं हम इसे हम लिखते हैं C2H5OH प्लस माजी माजी का चार्ज क्या है प्लस 2 क्योंकि माजी ग्रुप 2 से है ना तो दो लेने पड़ेंगे भाई तो क्या बना C2H5OMg twice Mg प्लस H2 तो कितने मोल है ये एक ये एक ये एक हाँ एग्जैक्टली Mg कितने मोल है एक Mg एक मोल का एटॉमिक वेट कितना होता है 24 कितना होता है हाँ तो 24 है 24 ग्राम तो कितना लीटर बना होगा एग्जैक्टली क्योंकि वन मोल अगर ये आधा कर दिया होता 12 11.2 तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं भेजो जा रहा है गुड चलो नेक्स्ट अब लेते हैं टर्शियरी एल्कोहल और एल्युमिनियम ऐड करते हैं और एल कौन से ग्रुप से है 13 उसका वैलेंसी प्लस 3 तो उस तरह से इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा बोलो एल का चार्ज प्लस 3 तो 3 लेने पड़ेंगे हाँ तो ऐसा कुछ बनेगा देखो तो सी है 3 सी सी है 3 सी है 3 ओ थ्राइस थ्राइस एल प्लस एच कितने है दोस्तों 3 तो एच 3 टू जा 6/2 हाँ हो गया हाँ यस तो कितने मोल है 3 ये 1 ये और ये डेढ़ मोल है समझ आ रहा है एल का वेट कितना होता है 26 27 कितना होता है उसके हिसाब से सम सॉल्व हो सकता है ठीक है हाँ वेट पता होना चाहिए हाँ पता होना चाहिए 1 to 20 तक का वेट याद करके ही जाना है एग्जाम में कॉपर का वेट याद करके जाना है निकल का वेट याद करके जाना है जिंक का वेट याद करेंगे एजी का वेट याद करेंगे जितना हमारे बुक में सम्स है उन सबके वेट याद करने पड़ेंगे जादू पटे दिस इज 9th केमिस्ट्री सी लेट मी टेल यू फर्स्ट फिर समझाता हूं हम एक दो और तीन रिएक्शन में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि नए रिएक्शन उसमें टाइम जाएगा बट देखो इधर 3 एच है एच टू ही बनेगा एच थ्री तो लिख नहीं सकते
तो H2 लिखा, पर हमें कितने लाने टोटल, तीन लाने, तो मैंने 3 × 2 = 6 करके 2 से डिवाइड कर दिया, और फिर इक्वेशन को प्रॉपर बैलेंस करना है, आप मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 2 2 और वो 6 हो गया, 3 हो गया। नहीं ये मेरा काम है, छोड़ो यार, ये बहुत इजी चीज है, किसमें बदल रहे हैं, आगे बढ़े, दैट्स ग्रेट। आ देखो, याद रखो ये सब फिनोल में भी होगा, अगर मैंने यहाँ बेंजीन लिखा होता पहले से जहां से स्टार्ट किया तो सब सेम, सब रिएक्शन सेम हो, क्योंकि फिनोल में भी तो वही है ना, खाली एल्कोहल और फिनोल में फर्क क्या है, हाँ बेंजीन है सेम भाई, समझ आ रहा है, तो तू क्यूट से रिएक्शन लिख देते हैं। अच्छा फिनोल में अच्छी बात ये है, ये तो चेंज होगा नहीं, आर मिथाइल इथाइल नॉनसेंस, फिनोल फिनोल है, फिनोल मिथाइल फिनोल इथाइल फिनोल, ऐसा थोड़ी होता है, फिनोल फिनोल खत्म सिंगम, फिनोल की होमोलोगस सीरीज नहीं है, फिनोल देखो फिनोल फिनोल फिनोल, जल्दी बेस डालो अंदर, फटाफट बेस डालो, फटाफट लिखो कंप्लीट योर रिएक्शन, फिनोल में सॉरी डालो, इजी बेंजीन ओ एन ए प्लस वाटर, बेंजीन ओ एन ए प्लस हाफ एच टू, नवरात्रि पढ़ावे जाने फर्स्ट एग्जाम पढ़ावे जाओ, फर्स्ट एग्जाम में ध्यान आप जो नवरात्रि में नहीं, नवरात्रि आवता वर्षे आवसे पाची, फर्स्ट एग्जाम आवता वर्षे आई चके तो रिपीट करो तो ट्वेल्थ, क्योंकि ये गलत चीज है, फर्स्ट एग्जाम अगले साल नहीं आ सकती, आ सकती है, फिर से ट्राई करना पड़ेगा, सिंपल इज इट। तो फिनोल क्यूट है बेटा, फिनोल ही क्यूट है, तो ये प्रूव हो गया भाई, रिएक्शन से ये सब रिएक्शन से ये भी प्रूव हुआ कि एल्कोहल फिनोल एसिड है, क्योंकि बेस से न्यूट्रलाइज हो रहा है और मेटल के साथ H2 लिब्रेट हो रहा है। हां समझ आया, यस, इसीलिए दूसरा रिएक्शन मैंने लिखा है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, हाँ चलो फिर अब दूसरा स्टार्ट करते रिएक्शन, बोलो अभी तक भाई का जोरदार समझ आ गया सब, हाँ चलो अब लिखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, सेकंड ये भी एमसीक्यू है, पहला भी एमसीक्यू था, थर्ड भी एमसीक्यू है, फोर्थ थियोरी है एस्टरिफिकेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, किसी को भी एसिड प्रूव करना है ना या बेस प्रूव करना है, जनरली हम उसका रिएक्शन लिखते हैं एक्वियस मीडियम, H3O प्लस बना तो एसिड, OH बना तो एग्जैक्ट, चलो तो एल्कोहल लिखेंगे उसके अंदर पानी डाल देते हैं, एक एच इसके पास चला गया, H2O था, एक एच गया, क्या बन गया H3O प्लस, और क्या बाकी रहा RO माइनस, प्रूव हो गया H3O प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन, मतलब एसिड, तो बोलो जबरदस्त समझ आ गया पूरा, बहुत इजी, एल्कोहल प्लस पानी गिव्स अल्कोक्साडाइन प्लस हाइड्रोनियम आयन दैट इज एसिड, तो प्रूव हो गया एल्कोहल एसिड है, समझ आया, पर है ना एल्कोहल है ना वीक एसिड है। अच्छा अब क्यों, सुनो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ सीबी, नाउ यू सी ये ऑक्सीजन का जो चार्ज है इसको रेजोनेट होने के लिए कहीं जगह है आगे नहीं, क्योंकि आर जो है वो तो सिंगली बॉन्डेड कार्बन है, तो माइनस कहीं जाएगा नहीं, तो रेजोनेंस रेजोनेंस नहीं है, मतलब ये कैसा है हाईली अनस्टेबल है। अब सोचो अगर ये हाईली अनस्टेबल है, अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो तुरंत इसको जबक जाएगा, मतलब अनस्टेबल तो फटाफट रिएक्ट करेगा इससे, अगर इसे रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड गया, मतलब H3O प्लस क्या हुआ इस तरफ जा रहा है ना, तो H3O प्लस कम हो रहा है, H3O प्लस क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ
कम हो गई ना, यस समझ आया। तो अगर ये स्टेबल होता, सुनो 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 सुनो, बड़े रहो यहाँ पे, अगर ये स्टेबल होता अगर ये स्टेबल होता तो इसे एक ही करता। अच्छा, क्योंकि ये चांद अंदर घूमता रहता ना, तो उसके पास नहीं जाएगा, तो इसका ना फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगा, एथ्रियोस बढ़ेगा, एथ्रियोस बढ़ा एसरिक स्ट्रेंथ, हाँ, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है, तुरंत रिएक्ट करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन हुआ, एथ्रियोस का कंसंट्रेशन घटा, डिक्रीज हुआ, इसीलिए एसरिक स्ट्रेंथ। समझ आया? तो फिनॉल से कंपेयर करेंगे, फिनॉल में है बेंजीन रिंग, तो ये माइनस अंदर घूमता रहेगा, तो फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत सिंपल, समझ आया? तो ये लिख दो आप, एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सीबी, पूरा लिखो नहीं तो घर जाके भूल जाओगे, कॉन्जुगेट बेस। चलो अभी तो हम एसिडिटी ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंट एल्कोहल को कंपेयर करते हैं, डिफरेंट मतलब एल्कोहल तीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, कौन सा एल्कोहल ज्यादा एसिडिक हो एंड क्यों, सोचो फर्क क्या है, खाली बताओ मेरे को। कार्बन बढ़ रहे, आर इंक्रीज हो रहा है बस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी, समझो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम इसकी कंपैरिजन किसी और फंक्शनल ग्रुप से नहीं कर रहे, तो ना तो इसमें रेजोनेंस है, ना तो इसमें रेजोनेंस, ना तो किसी में रेजोनेंस नहीं है, सब एल्कोहल है भाई। सी अभी हम क्या कंपेयर करना है, अल्काइल को, किसमें अल्काइल ज्यादा है, अच्छा अल्काइल का नेचर क्या है, डोनर है कि विड्रॉअर है, अल्काइल डोनर है। अब आप थोड़ा बने रहने यहाँ पे, हाँ इसमें डोनेशन सबसे, इसमें डोनेशन सबसे सबसे ज्यादा डोनेशन है, मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, कार्बन पे कि ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे गए। अब सुनो, ऑक्सीजन के साथ माइनस बढ़ेगा तो H का अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो H और O का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो H लिबरेट नहीं होगा, H लिबरेट नहीं होगा, H3O+ नहीं बनेगा, H3O+ नहीं बनेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा, तो जिसमें R कम और झंझट में नहीं पड़ना है, यू रिमेंबर एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस I, that we already know, no, हमने पढ़ा GOC1 के अंदर, जितने R ज्यादा उतने एसिडिक स्ट्रेंथ कम, माय गॉड भटके हुए लोग हैं यहाँ पे, झुमके याद आ रहे हैं नवरात्रि में, कौन से बैलून के चले चले गए सर, खत्म। अगेन जितने देखो ज्यादा ध्यान नहीं, उतना जितने यार ज्यादा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ, खत्म होगी बात यार, खत्म बात, खत्म। जिनका ध्यान नहीं उनके लिए आर इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, जिनका ध्यान नहीं उनके लिए, जिनका ध्यान है उनके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम। अब ये भी पता होना चाहिए आर का अफेक्ट प्लस है, प्लस आई होता है तो भटके हुए लोगों के लिए ये पहला वाला पॉइंट सही है, सीधे यार ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ अभी यूनिवर्सल है। आप अगर बोलो मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, तो किसमें कार्बन ज्यादा, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ का खत्म, खत्म। कोई भी एसिड का स्ट्रेंथ कंपेयर करो तो जिसके जिसमें कार्बन कम उसका स्ट्रेंथ, इतना याद करो। पर तभी अप्लाई होगा जब सेम एफ जी, सेम एफ जी से कंपेयर होगा, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, क्योंकि एफ जी चेंज, इसका स्टेबिलिटी चेंज, तो खत्म। फिर इसकी कंपेरिजन एसिड से करोगे फिर नहीं बोल सकते कार्बन बढ़ेंगे एसिडिटी डिक्रीज होगी, एल्कोहल की कंपेरिजन एल्कोहल से कर रहे हो तो बोल सकते हो आर ज्यादा
एसिडिक स्ट्रेंथ इजी बोलो एक ही एमसीक्यू ये एमसीक्यू बस वन का एसिडिटी ज्यादा टू से टू का एसिडिटी थ्री से समझो वन टू थ्री ये एमसीक्यू है इसके आगे ये गुस्सा का क्वेश्चन है ये वो ग्राम वाला और कॉम्प्लिकेटेड पेपर बनाना है तो इसका ग्राम पूछेंगे और कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि तो इसमें कार्बन कितने सारे चार कार्बन हाइड्रोजन बहुत सारे और इक्वेशन को बैलेंस करना कोई डेट कोई ढाई लिख के आएगा कोई साढ़े तीन लिख देगा कोई सिक्स लिख के आएगा अलग अलग क्वेश्चन इजी है बहुत सिंपल क्वेश्चन है ज्यादा टफ नहीं है चलो अब बोलो नेक्स्ट थर्ड क्या लिखा था दोस्तों बताओ यस अब फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए मैंने पहले ही बोला था पानी डाल देंगे इसके अंदर क्या बनेगा दोस्तों इक्वेशन ये चला गया इसके पास है H2O के पास H3O और फिनोल पे O माइनस बाकी रहेगा दैट इज फिन ऑक्साइड फिनोक्साइड है और क्या बाकी रहा H3O प्लस मैं पूछूं तो अगर पता हो तो बोलने का रखो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे आप यहाँ बने रहोगे वरना ध्यान भटक जाएगा जितना बोलोगे उतना कॉन्शियस फील करोगे कि हाँ हम यहीं पे हैं आप खुद अपने आप को प्रूव करके बोलोगे मतलब और आप इन्वॉल्व नहीं हो लेक्चर में तो कहीं भटक जाओगे समझ आया ठीक है कुछ भी गलत भी बोलो सिक्स वेक्स कुछ भी बोलो कोई टेंशन नहीं तो फिनॉल का एक्वस सोल्यूशन है उसमें आयन है फेनोक्साइड व्हिच इज स्टेबल व्हाई यस चार्ज घूम रहा है मतलब बोलेंगे रेजोनेंस हो रहा है समझ आ रहा है एल्कोहल में से था बेहतरीन इधर बैठ जाओ नहीं सर सच बोल रहा हूँ तू आराम से आराम फील करेगा ऐसा अरे सच बोल रहा हूँ इधर इधर आ जा नहीं नहीं और फैल जा नीचे बैठे नीचे बैठे एल्कोहल की इक्वेशन में क्या ये क्या है क्या ये स्टेबल है क्यों रेजोनेंस है ऊपर से तो ज्यादा अनस्टेबल है पता है क्योंकि इसके पास क्या है देखो आर नेगेटिव चार्ज है आर आर का नेचर क्या है डोनर तो ओ का माइनस चार्ज क्या होगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा समझ आया आपने अगर आर लिखा है मिथाइल तो मिथॉक्साइड हुआ इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ब्यूटोक्साइड में सबसे ज्यादा कार्बन है जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो चारों चार में मिथॉक्साइड एथॉक्साइड प्रोपॉक्साइड ब्यूटोक्साइड सब में बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा हाँ यस और सोचो अगर वो ब्यूटोक्साइड में ब्यूटाइल टर्शरी हुआ तो और ज्यादा होगा क्योंकि तीन कार्बन है C3 जो सी को डोनेट कर रहे हैं हाँ यस 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 तो मेथॉक्साइड इथॉक्साइड प्रोपॉक्साइड ब्यूटॉक्साइड सब में बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है उसमें भी किसका एग्जैक्टली तो समरी ऑफ द स्टोरी दिस इज हाईली अनस्टेबल नाउ इन कंपैरिजन टू दिस फिनोक्साइड इज स्टेबल क्योंकि इसका जो माइनस चार्ज है इसको रोटेट होने के लिए बहुत सारी जगह है यस तो दिस इज स्टेबल बाय रेजोनेंस सो रेजोनेंस देखते हैं कैसा होता है कंफर्म तो हो गया ये स्टेबल है अब कहानी अगर स्टेबल है तो क्या इससे रेक करेगा नहीं क्योंकि ये घूमता रहेगा ऐसे नवरात्र यस
वाओ व्हाट अ कनेक्शन भाई. अच्छा ये घूम रहा है अंदर, तो घर में खेल रहा है तो इसको पसंद ही नहीं घर जाना, तो घर में खेल रहा है इसके इससे कनेक्ट नहीं होगा. अगर ये इससे कनेक्ट नहीं हो रहा, ये अंदर तक घूम रहा है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड रेट क्या हुआ? H3O प्लस एसिडिक स्ट्रेंथ. यस बहुत इजी. तो फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कोहल से, क्योंकि फिनॉल में जो फिनोक्साइड आयन है उसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस वो स्टेबल हो गया, इसलिए फॉरवर्ड रेट H3O प्लस एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत इजी. और एल्कोक्साइड अनस्टेबल था वो इसे चिपक रहा है, वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, H3O प्लस घट गया, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी. बहुत सिंपल है भाई, इजी. चलो ठीक है, हम इसके रेजोनेंस ड्रॉ करते हैं. चलो फिर लिख रहा है ना, इतना याद रखो केमिस्ट्री में जब आयंस बनते हैं तो दोनों तरफ एरो लिखने पड़ेंगे. आयंस बन रहे तो दोनों तरफ एरो लिखने ही पड़ते हैं, समझ आया? आया ना, देखो माइनस चार. चलो पहला स्टेप क्या होगा बताओ. हाँ आक्रमण अटैक कर रहा है यहाँ पर, और ये और तो यहाँ यहाँ क्या होता है बोलो, और तो पोजिशन यहाँ मतलब कुछ भी. मैं कौन बंद रखो, पेन चालू रखो. बोलो नेक्स्ट, बोलो अंदर और बाहर. और वापस से ये चार्ज ऑर्थो पे लोकेट होगा. एंड लास्ट स्टेप, पहला स्टेप वापस आ गया, ये अंदर ये ऊपर. ऋषभ ऋषभ मैं गिर जाऊंगा कभी, ध्यान रखना. नहीं नहीं सर, नहीं. ये हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन फिनोक्साइड आयन. इससे प्रूव हो गया कि फिनॉल इज वो ऐसे दिखता है एल्कोहल, प्रूव हो गया. कुछ उखा लिया हमने, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा थ्योरी, ये भी एमसीक्यू है. इसमें एमसीक्यू सबसे पहला है फिनॉल कैसे लिख स्ट्रेंथ एल्कोहल से ज्यादा है, और दूसरे दो एमसीक्यू देखते हैं फिर इसके अंदर. इसका स्क्रीनशॉट भी होगा. स्क्रीनशॉट इसमें था. चलो सीख लूंगा. चलो डन है. चलो फिर तो लिख देते हैं एक पंच लाइन. फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल. व्हाई ब्ला ब्ला ब्ला.
phenol, aqueous solution of phenol, that is formation of phenoxide ion, which is stable pyrazolins. That is in a case of alcohol. समझ आ गया ना? अगर पूछा तो फिर describe करना पड़ेगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा. NCERT में लिखा है, proper होगी. तो ये बात होगी. Now, what is more stable? Phenol is stable or phenoxide ion? फिनॉल ये रहा, देखो ये फिनॉल है और ये फेनोक्साइड आयन है. किस पे रेजोनेंस होता है? क्यों अभी लिखा है? इसलिए अभी इसमें लिखा तो इसमें नहीं हो रहा है ऐसा. दोनों में रेजोनेंस होता है. इसके पास लोन पेयर है, डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है. देखो इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा. दोनों में इक्वल स्ट्रक्चर बनता है. इसका रेजोनेंस हमने देखा, फिर से एक बार देख लेते हैं. ये रहा, इस वजह से देखो माइनस चार्ज किसके पास है? ऑक्सीजन नेगेटिव और उसमें नेगेटिव चार्ज है. अब फिनॉल में ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा, ये यहां बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बनेंगे? तीन बन जाएंगे ना. अभी दो है, देखो एक दो, ये क्या पढ़ा रहा हूँ? दो बॉन्ड है, ठीक है, दो बॉन्ड है भाई. अगर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे? तो ऑक्सीजन का चार्ज क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन है नेगेटिव और उसपे नेगेटिव चार्ज है. ऑक्सीजन है नेगेटिव, उसपे पॉजिटिव चार्ज है. तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज हो तो अनस्टेबल होता है. दैट्स व्हाई फेनोक्साइड इज मोर स्टेबल, 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 मोर स्टेबल देन दैट ऑफ फेनॉल. याद रहा? यस. तो यहां लिख देते हैं स्टेबिलिटी के बारे में. यहां पे लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ फेनोक्साइड इज मोर देन दैट ऑफ फेनॉल, बिकॉज इन केस ऑफ फेनोक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज इज लोकेटेड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, वेयर एज इन दिस केस electronegative element contains positive charge. Exactly. Negative charge electronegative पे locate होना चाहिए, वरना उसकी stability कम हो जाती है. ये अपने 11 में resonance के अंदर जो चार condition पड़े थे उसमें से एक condition है. चलो next MCQ. अभी हमने बेटा लिखा था ये कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एन अपॉन, ऐसा लिखा था. तो फिनॉल के अंदर हम सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं और देखते हैं किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. सी फिनॉल के अंदर अगर हम NO2 ऐड करते हैं, फिनॉल के अंदर हम मिथाइल ऐड करते हैं, तो नाइट्रोफिनॉल्स एंड मिथाइल फिनॉल्स व्हिच इज मोर एसिडिक एंड व्हाई. सो वी मस्ट नो NO2 का इफेक्ट क्या है एंड इसका इफेक्ट क्या है. वेरी गुड, NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये हुआ. और CH3 तो डोनर ग्रुप की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुआ? कम हुआ. मतलब किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? एग्जैक्टली, है ना. NO2 का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. तो यू रिमेंबर नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन दैट ऑफ मिथाइल फिनॉल्स. जब नाइट्रो ग्रुप लिखा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. मोस्ट मोस्ट टाइमली क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क इन बोर्ड एंड गुड सेट. नाइट्रो का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है देन दैट ऑफ मिथाइल फिनॉल. बोलो मजा आ रहा है? आगे बढ़ जाओ. हो गया अभी ये. हाँ
एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है, सब में एरो टू है, लास्ट में नाइन, तो लास्ट डी लास्ट होगा, वो तो कंफर्म हो गया क्योंकि डी में कुछ है ही नहीं, ना विड्रॉइंग है, डी है, बाकी सब में विड्रॉइंग ग्रुप है, सी ए बी डी इज द राइट आंसर, वाओ, गेस था ऐसे गेस हो किया ना, तो पैरा वाला ज़्यादा स्ट्रेंग है, अच्छा आपने स्टेबिलिटी से बताया, गुड, ओवर पी पे एम अफेक्ट ज्यादा होता है, मेटा पे एम अफेक्ट जीरो होता है, दैट्स व्हाई मेटा लास्ट में आया, ऑर्थो पैरा में इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड है, तो इसका एच थोड़ा बिजी हो जाएगा इसके साथ, तो एच लिबरेटिंग होगा क्योंकि यहाँ इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड है, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, सी देन ए देन बी देन डी, अगेन मैं रीजंस के साथ यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, इसका अफेक्ट है माइनस एम, माइनस एम एट मेटा बाबा जी का ठुल्लू जीरो होता है, प्लस एम और माइनस एम मेटा पे जीरो होता है भाई, याद कर लो, चलो देन माइनस एम एट पैरा, ये माइनस एम एट पैरा है, अब इसमें तो है ही नहीं माइनस वाला कोई ग्रुप, तो लास्ट में ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता, अब इसमें मेटा अफेक्ट तो जीरो हो गया, मेटा पे माइनस एम अफेक्ट तो जीरो हो गया, पर एनो2 का दूसरा अफेक्ट भी है ना, माइनस आई, एनो2 का अफेक्ट माइनस आई भी है, इसका भी माइनस आई, यहां पे भी माइनस आई होगा, यहां पे भी माइनस आई होगा, और आई अफेक्ट इंक्रीज होता है बट डिक्रीज इन डिस्टेंस, तो इसका आई ज्यादा है, समझ आया, इसका आई और इसका आई कम है, तो इसके हिसाब से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, बट इन दोनों में कौन सा बॉन्ड था, हाँ, इसलिए इसका एच थोड़ा ओ के साथ करेक्ट हो गया, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया, दैट्स व्हाई आंसर है हमारा सी, देन ए देन बी देन डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, नीट के लिए, जेडब्ल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम यही का यही कॉपी, कोई चेंज नहीं भाई, ठीक, चलो एक और, एम अफेक्ट डोमिनेंट होता है, ये भी है, इसलिए क्या नहीं होगा, फिर से बोलो, इसलिए नहीं, तो इसलिए मेटा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मेटा पे तो माइनस एम है ही नहीं, इसमें माइनस एम माइनस आई है, माइनस एम माइनस आई है, इसमें खाली माइनस आई है, तो निकल गया कॉम्पिटिशन से, इन दोनों में इसका माइनस है ज्यादा है, पर क्योंकि इसमें इंट्रा है इसलिए कम है, नहीं ऐसा किसने बोला, नहीं नॉट एट ऑल, माइनस एम और माइनस आई का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब यू कैन रिलेट के माइनस आई इंक्रीजेस माइनस एम इंक्रीजेस, एम इज मेसोमेरिक इफेक्ट, आई इज इंडक्टिव इफेक्ट, देयर इज नो रिलेशन, यू अंडरस्टैंड, मैं लिखता हूं यहां पे और एक चीज, एम इफेक्ट एट ऑर्थो एंड पैरा साइड आर इक्वल एम इफेक्ट एट ओ is equal to M effect at minus O plus O minus M at ortho is equal to minus M at para. चलो अब next हम करेंगे, next में मैंने लिखा है, इसका नाम है picric acid, हमने पढ़ा था nomenclature, आंसर
ए बी सी डी क्या सोच रहे हो भाई क्या? हाँ सर तुम बोलो ना, मैं बोलो जितने एन एम बुझाला उतना विड्रॉइंग पावर ज्यादा, उतना एसरिक्स है खत्म, इसमें कोई डाउट नहीं हो। चलो बोलो डाले यहाँ तक। अब बोलो चौथा रीजन क्या था? चलो एस्ट्रोजी किसी को इसका चलो शुरू करें, लिखो फिर फोर्थ टाइटल। देखो ईस्टर बनाना है तो याद रखेंगे विल स्टार्ट विद आर ओ एच एंड विल एड आर सी डबल एच। एल्कोहल का रिएक्शन किससे होगा? कार्बोक्सिलिक, तो बनेगा ईस्टर। समझ आया? एल्कोहल का रिएक्शन होगा एसिड हैलाइड से, तो बनेगा ईस्टर। एल्कोहल का रिएक्शन होगा एसिड एनहाइड्राइड से, तो बनेगा ईस्टर। तो ईस्टर बनाने के लिए एल्कोहल के अंदर क्या क्या डालेंगे? तो तीन चीजें डाली हमने। एल्कोहल के अंदर क्या डाला? एसिड। कुछ काम है तो इस नंबर पे फोन करना, मेरा वो नंबर है, उससे वो लेक्चर शूट हो रहा है। ओके हाँ, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ग्रुप का क्या नाम है बेटो? एसिड हैलाइड। एसिड रुको, भीड़ में लिख रहा हूं मैं, ऐसे खुल के लिखते हैं, आप लोग रहो मत करना, मेरे को इसका नाम लिखने में जगह नहीं है, मेरे को फैल के लिखने को चाहिए, सोने को भी चाहिए, और मेरी बेटी मेरे को सोने नहीं देती, लात मार दी मेरे को मुंह पे, उसके आगे तो मैं लाचार हूं। ये ऐसे क्लोराइड है आर ओ एच प्लस आर सी ओ ओ सी ओ आर ओ स्वाहा। क्या नाम है इसका? एसिड एंड हाइड्राइड। चलो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे चौथा रिएक्शन है पहले टाइप का। पहला टाइप था कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? एल्कोहल का ओ एच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो पिक्चर तो क्लियर है भाई, ओ एच बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से वाह बन गए इस तरह। देखो पहले यहां से लिखेंगे फिर लिखेंगे आर सी ओ ओ आर आर सी ओ ओ आर प्लस क्या अलग हो गया? एच और ओ एच मतलब एच टू ओ। एनी डाउट्स? बहुत इजी है। एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? चलो इसमें पहले यहां से लिखेंगे आर सी ओ ओ आर। चलो फिर लिखेंगे आर सी ओ ओ आर। इसमें बन गया, और अलग क्या हुआ? एच सी एल क्या है? एसिड के बेस, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ऐड कर रहे हैं पिरिडिन। क्या ऐड कर रहे हैं? पिरिडिन को पी वाई लिख देंगे, पुराने लिखेंगे पिरिडिन पी वाई लिख देंगे, जो यहां पे जो HCl बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। चलो बेटो आर सी डबल ओ आर सी डबल ओ एच, हमें इससे कोई मतलब नहीं, भाड़ में गएंगे, हमारा मेन प्रोडक्ट ये आर सी ओ ओ आर आर सी ओ
ओवा क्या बन गया, पार्टी करेंगे इसका बन गया वाओ। कंसेप्ट और रिएक्शन खत्म हो चुका है, पर थोड़े और रिएक्शन लिखेंगे क्योंकि नाम लिखने पड़ेंगे, आर चेंज नहीं करने पड़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं नॉमिनेचर के साथ रिएक्शंस। पहले इसका नॉमिनेचर तो यू नो ऑल 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 मीथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल। इसमें सफिक्स क्या है, मीथेनॉइक एसिड इथेनॉइक एसिड प्रोपेनॉइक एसिड इथेनॉइल क्लोराइड प्रोपेनॉइल क्लोराइड ब्यूटेनॉइल क्लोराइड बेंजोइल क्लोराइड इथेनॉइक एनहाइड्राइड प्रोपेनॉइक। ऐसा लग रहा कुछ भेज रहे हो। चलो शुरू करते हैं। C2H5OH प्लस चलो एसिड से क्या हट जाएगा OH। अभी देखो अच्छे से घूर रहे इस रिएक्शन को भाई। जिस मेथड से मैं लिख रहा हूं ना उस मेथड से आपको तुरंत समझ आ रहा है। तो इस मेथड से याद रखना है क्या ये मेथड से लिखना है एग्जाम, वरना भूल भूले सब कुछ याद नहीं है कहां से क्या निकल रहा है। अभी इजी लग रहा है मैं जिस वे में लिख रहा हूं उस वे में OHH याद करना पड़ेगा, इसमें काम करेंगे। चलो अगेन जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है मतलब ये H निकल गया और यहाँ से क्या निकल गया। यस बहुत इजी रिएक्शन, मैंने आपको बताया था पहले ये पार्ट लिखेंगे बेटो CH3 फिर OC2H5 वरना गड़बड़ हो जाएगी रिएक्शन रॉन्ग हो जाएगा, पहले वो नहीं लिख सकते। चलो क्यों तो नाम चेंज हो जाएगा इसलिए बताता हूं मैं, क्योंकि ईस्टर के नाम के लिए ऑइट सफिक्स यूज होता है। तो देखो पहले देखो ये लिखेंगे CH3CO फिर अरे वो कहां गया मेरे भाई, जो निकल रहा है वहां से जो छूट गया वो लिखना है बेटा, वो जोड़ना है OC2H5। अब देखो ये मिथाइल कार्बन के साथ है और ये इथाइल O के साथ है, तो O के साथ जो है ना वो अल्काइल और बाकी जो है ना वो अल्केनॉइड, इसका नाम है इथाइल इथेनॉइड प्लस OH और H। समझ आ रहे हैं? चलो फिर अब इधर की तरह सेम बनाओ प्रोडक्ट। बोलो क्या निकल गया और HCl CH3CO2H5 वही बना इथाइल इथेनॉइड HCl। इजी बहुत इजी, घर जाके 15-20 बार लिखना रिएक्शन वरना कुछ याद नहीं होगा सब भूल जाओगे। वेपराइजेशन occurs at every temperature, there is boiling occurs at a particular temperature. अभी मैं पढ़ा रहा हूँ states of matter. चलो दोस्तों दो वीडियो डाले कोई कमेंट नहीं कर रहा भाई, क्या है हर वर्ग के करो कमेंट यार, कंडू से करो जो यार गुजराती मानस मफत में मफत में वस्तु नहीं करता था कोई वॉल्यूड का सॉन्ग नहीं तो भर भर के कमेंट करते हो वाह गुड क्रिएशन गुड सॉन्ग गुड लिरिक्स
मेरे वीडियो में नो कमेंट, कोई बात कोई बात सी थ्री सी डबल ओ एच पहले ही लिखेंगे सी थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव एक घंटा अभी तो मैंने कहा बोला तुमने कुछ किया मैंने टाइम बताया पैन चबा रही तू पैन चबा तुमने शुरू कर दिया फिर बैग आएगा डन है चलो नेक्स्ट इरेक्शन करेंगे सैलिसिलिक एसिड के अंदर और बनाएंगे एस्पिरिन लेट्स गो हो गया यहां तक चलो सबने लिख दिया शायद हाँ किसका मैडम हाँ इथेनॉइक एनहाइड्राइड कौन सा सब इथाइल इथेनॉइड है बेटा देखो ये इथाइल और ये इथेनॉइड इथाइल इथेनॉइड बोलो गणेश तो यार सब चलो फिर अब लास्ट रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड लेंगे सैलिसिलिक एसिड बड़ा खुद प्रोडक्ट बोलो हो गया फ्रेंड्स अरे अभी तो बढ़ाया OH से क्या निकालना है और इससे HCl हट गया पिरिडिन ने अब्सॉर्ब कर लिया HCl को यूटिलाइज हो गया वो जो बाकी रहा ओ COCH3 इजी ओ के साथ CH3CO मत लिखना क्या लिखना है COCH3 मतलब ऐसा रुको गरीबों की तरह नहीं अमीरों की तरह लिखते हैं खुल के फैल के इसका नाम है एस्पिरिन 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 एक एनाल्जेसिक ड्रग है एनाल्जेसिक मतलब एंटी फीवर एंड एंटीपायरेटिक बुखार में और पेन किलर दोनों का काम करता है एनाल्जेसिक ड्रग लिख देता हूं मैं आपको इसके अंदर दो प्रॉपर्टी है एंटीपायरेटिक एंड पेन किलर चैप्टर नंबर 16 में पढ़ाऊंगा मैं आपको चैप्टर नंबर 16 में दवाइयां हैं जो डिसीज है वो जो कौन सा डिसीज में कौन सी दवाई लेनी है और कुछ कुछ दवाई को डोज भी है और दवाई कैसे अपने बॉडी में उसका रिएक्शन क्या है कैसे कंट्रोल करता है हमारा एंजाइम को एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या है सोप क्या है डिटर्जेंट क्या है वॉशिंग पाउडर निर्मा क्या है उसे पढ़ाऊंगा बोल अब नाम तो याद करना पड़ेगा इसमें मैं कॉमन नेम है कुछ नहीं कर सकते हम है ना अब इसका आईयूपीएसी देखते हैं
सी डबल ओच एसिड है और ये ईस्टर है, किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? एसिड का। तो अगर नहीं होता ये तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, पर टू पे अब ये ग्रुप है, इसका नाम है इथेनॉल ऑक्सी, टू इथेनॉल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, टू इथेनॉल ऑक्सी मैं लिखता हूं, टू इथेनॉल इथेनॉल ऑक्सी इथेनॉल ऑक्सी इथेनॉल ऑक्सी इथेनॉल ऑक्सी और आपको डबल लेना है एसिडॉक्सी, याद कर लो इसका सब्स्टिट्यूट है एसिडॉक्सी। कैसे नहीं बोले कैसे टॉक्सी टू इथेनॉल ऑक्सी बी सी ए बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, सो इजी। चलो ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड और क्यूट नाम याद रखना है तो एस्पिरिन, खत्म। अच्छा है पर पूछा होगा ये नाम लिखा होगा तो पता तो एटलीस्ट होना चाहिए स्ट्रक्चर का ये नाम है। कन्वर्जन वैसे तो नहीं पूछ सकते, इसका कन्वर्जन नहीं पूछेंगे कभी, ये थोड़ा ज्यादा ही टफ है, बट गुजरात थोड़े कुछ भरोसा नहीं कर सकते। बोलो कितने रिएक्शन कंप्लीट हुए? चार। बोलो अब नेक्स्ट क्या है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम? आरओ बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और आरओ बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो पहला दूसरा रिएक्शन हो गया, बुक में तो लिखा है आपने पढ़ लिया, हम दो रिएक्शन लिख देते हैं अंदर, याद करा दो आपको मैं। एल्कोहल में डालो आरएक्स बनेगा, ये डालेंगे तो भी इसमें अलग होगा H2O, इसमें अलग हुआ था H3PO3, ठीक है। चलो फिर तो ए और बी लिख देते हैं, तो फिफ्थ रिएक्शन है ये, ओवरऑल फिफ्थ रिएक्शन है ये, फिफ्थ रिएक्शन रिएक्शन विद HX, हाइड्रो हैलोजन जी नेशन हाइड्रो हैलोजन ROH हमने ऐड किया था HX। अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है? RO मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH माइनस एच प्लस क्या अलग हो गया आर ए प्लस एच टू आर एक्स। बोलो समझ आया बेटो? यस सर। हाँ अगर आप याद करो हमने ऐसा पढ़ा था, अगर हम यहाँ पे आर ओ एच लेंगे, अगर यहाँ लेंगे कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यहाँ पे लेंगे एन हाइड्रस जेड एन सी एल टू तो आर सी एल प्लस वाटर बनेगा। दिस टेस्ट इज कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट, इट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्कोहल्स, है ना। टर्शियरी एल्कोहल ऑयली ड्रॉप्स, सेकेंडरी एल्कोहल मिल्की सोल्यूशन, प्राइमरी एल्कोहल नो ऑब्जर्वेशन, ऐसा पढ़ा था। तो ये आगे का है, तो अभी यहाँ पे हमने लिख दिया मैकेनिज्म भी लिखा था हमने तो अभी मेंशन भी कर रहा हूँ। चलो बोलो नेक्स्ट रिएक्शन विथ फॉस्फरस ट्राई हेलाइड, रिएक्शन विथ इसमें और डिटेलिंग मैं पूरा पढ़ा दूं जो पढ़ाया था आगे के सब आप देख लोगे, आगे मैंने पढ़ाया था वो देख लोगे ना। ऑयली ड्रॉप्स याद रखना, मिल्की सॉल्यूशन याद रखना, नो ऑब्जर्वेशन प्राइमरी याद रखना, इसमें कार्बो कैटायन बनता है, टर्शियरी कनेक्टिविटी ज्यादा है, फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, ये सब मैंने पढ़ाया था, हाँ भूलना नहीं। चलो रिएक्शन विद PX3 ये भी आगे पढ़ा था, लिख देते हैं ROH अंदर ऐड करेंगे PCl3, याद होगा हमने 3 लिए थे, सो 3R3Cl क्या बन गया 3RCl प्लस
एग्जैक्टली OH 3 है पी एक है OH 3 है पी एक है इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड लिख दे एच थ्री पी ओ थ्री नॉन सेंस फॉस्फोरस एसिड है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे बस आपका काम करते ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रेशन नेक्स्ट टाइम ठीक है यहां तक का परफेक्ट चबा के अच्छे से नॉइस करके आना जोरदार और फिर हम बढ़ेंगे ऑक्सीडेशन डिहाइड्रेशन एंड देन विल स्टार्ट फिनोल के केमिकल रिएक्शंस जो शायद नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे तो अभी एक लेक्चर चाहिए हमें और दो लेक्चर चाहिए और एक तीन लेक्चर चाहिए अभी हमें ठीक है हाँ हाँ जा सकते हो आज का होमवर्क क्या है हाँ ए रुको बैठो मैंने लास्ट टाइम का होमवर्क को भी चेक करना है रुको बैठो फिर जाओ और आज का होमवर्क है आज के जो रिएक्शन है वो सब 20-20 बार लिख लें सर इसी पे तीन एग्जाम 10 बार लिख लें सर इसी पे तीन एग्जाम है सर मेगा टेस्ट है मैंने 20 का 10 तो किया सर पांच बराबर है सर पांच बार लिख दे बस चलो ठीक है